नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। 17 दिसंबर को दो दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी काशी पहुंचेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर काशी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी का काशी में पहला दौरा है। पीएम मोदी वाराणसी समेत आसपास के जनपदों को 19,150 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। साथ ही पीएम मोदी वाराणसी को एक और वंदे भारत की सौगात देंगे। पीएम मोदी 18 दिसंबर को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियों में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सबसे पहले पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी नमो घाट भी जाएंगे। बनारस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2 दिन का दौरा है, 17 और 18 का, और व्यापक प्रबंध किए गए हैं इसके लिए। तो किस तरीके से इंतजाम रहेगा, क्या क्या प्रोसेस का रिकॉर्ड? हमने काफी आवश्यकता अनुसार हेडक्वार्टर से फोर्स मांगी थी, जो हमें प्राप्त हो चुकी है। उनकी ड्यूटियाँ निर्धारित की गई है, जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई है और सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटियाँ लग रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंध सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के संस्थापक प्रोफेसर सौनक ऋषि दास ने गुजरात के एकमात्र सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का दौरा किया। आधुनिक पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव के बीच हिंदू संस्कृति परंपराओं को संरक्षित करने और हिंदू धर्म की व्यवस्थित शिक्षा पर जोर देने के दृष्टिकोण के साथ संस्कृत विद्यालय में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज और यूनिवर्सिटी के बीच हुए AMU के तहत यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए प्रोफेसर सौनक ऋषि दास ने संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्रों से अहम बातचीत की। आपको बता दें कि सौनक ऋषि दास आयरलैंड के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म न सिर्फ इंसान बल्कि हर प्राणी के अधिकार महत्वपूर्ण है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन था जो हमारे साथ हमारे सुदूर से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के हिंदू स्टडी सेंटर के निदेशक जी आदरणीय सौनक ऋषि दास जी हमारे विश्वविद्यालय में आए हैं। मुलाकात में क्वालिटी रिसर्च के बारे में, हिंदू स्टडीज़ के बारे में आदरणीय सौनक जी ने अपना मंतव्य रखा, जो सबके लिए प्रेरणादायक रहा। और इस प्रेरणा के आधार पर भारत में जो हिंदू स्टडीज़ हमारा यहाँ भी चल रहा है विश्वविद्यालय में, हिंदू स्टडीज़ का केंद्र, फिर संयुक्त तत्वावधान में हम कुछ आगे इसको और बढ़ेंगे। और नमामि गंगे ग्रामीण जल पूर्ति सचिव का आगरा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां सचिव डॉक्टर बलकार सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही जल जीवन मिशन नमामि गंगे परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद योजना से संबंधित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण के लिए मथुरा रवाना हो गए। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम और सीएम के नेतृत्व में तेजी से जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहा है। साथ ही कहा कि बुंदेलखंड में सबसे पहले काम पूरा हुआ है, अब आगरा मंडल की बारी है। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील विश्नोई झांसी पहुंचे, जहां उन्हें सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जिला के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान झांसी जिले के उच्च अधिकारियों के साथ भी उन्होंने समीक्षा बैठक की। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई के स्वागत में भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पीलीभीत में बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा फराटे भर रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के इन ई रिक्शाओं के कई नाबालिग युवक चला रहे हैं, जिसमें आरोप है कि ये लोग आगे चल रहे वाहनों को पीछे से टक्कर मार देते हैं,
जिसके बाद वाहन चालकों के साथ अभद्रता और गाली गलौज करते हैं। ये रिक्शा चालक का बाइक सवार से अभद्रता करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां ई रिक्शा चालक ने चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा रोके गए ट्रैफिक के दौरान टक्कर बाइक सवार को पीछे से मार दी। इसके बाद ई रिक्शा वहां से रफू चक्कर हो गया। आगरा नगर निगम के सफाई कर्मियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया, जहां उन्होंने 13 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। साथ ही नगर निगम में सांकेतिक प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां महासंघ के पदाधिकारियों ने नगर निगम के कार्यालय बंद करवा दिए। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर कर दिया। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवार, अपर नगर आयुक्त सहित कई कार्यालय बंद करवा दिए। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की ओर से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने आज मुख्यालय पौड़ी की एक एजेंसी चौक के समीप स्थित शहीद स्मारक स्थल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर भारत पाक युद्ध के वीर शहीदों को याद किया। इस मौके पर 16 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध में देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस को नमन करते हुए स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने देश के सभी वीर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत, एडीएम इलागिरी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश फर्शवान, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, एडिशनल SP जया बलूनी, CO सदर श्याम दत्त नौटियाल, कोतवाल गोविंद कुमार आदि सहित उपस्थित पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के साथ ही अधिकारियों द्वारा शहीदों को नमन करते हुए पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। एटा जिले में ऑपरेशन जागृति को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध पुलिस विभाग के अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय कुशवाहा ने पुलिस कप्तान राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न को एजुकेशनल संस्थानों में लगातार कैंप कर छात्र और छात्राओं से संवाद कर सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब तक 100 से अधिक शिक्षण संस्थानों और ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है। जनता इंटर कॉलेज कैथा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा ने कहा कि सोशल मीडिया ने आज पूरी दुनिया को एक निश्चित दायरे में ला दिया है। साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए, लेकिन सतर्क भी रहिए। इसी दौरान फर्जी मुकदमे दर्ज कराने में जिला वासियों को काफ़ी महारत हासिल है। आप लोग सच को छुपाए ना ही झूठ को समर्थन करें, निश्चित ही सकारात्मक माहौल बनेगा। कार्यक्रम में अरुण पवार कोतवाली निरीक्षक अलीगंज, प्रेमपाल सिंह कोतवाल नया गांव, राजकुमार सिंह कोतवाल जैथार, JP अशोक थानाध्यक्ष जस्थरपुर के अलावा धर्मेंद्र कुमार सिंह प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज कैलाथा के पूर्व स्टाफ और छात्र छात्राओं के साथ उपस्थित रहे। आज एरिया है जागरूकता आगरा जोन सिटीजी महोदय की जो है मार्गदर्शन में संचालित जनपद में, उसके तहत आज कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी बच्चों को इसके चार मुद्दों पर जागरूक किया गया है। काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और टीचर्स और सारे स्टाफ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। आई थिंक इन सभी लोगों को जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों ने बेरी बाग स्थित मोक्ष चेतन अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान पहुंचकर योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण को अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि गर्भगृह पर नवनिर्मित राम मंदिर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया, जिस पर स्वामी भारत भूषण ने कहा कि यह आम निमंत्रण पत्र नहीं है, बल्कि
मजमून कागज का वजूद तय करता है। ये भगवान राम के अपने घर से बुलावा है और भगवान राम जन्मस्थल से संदेश देने वाले आम पत्रवाहक नहीं, रामदूत हनुमान जी के रूप हैं। इस दौरान स्वामी भारत भूषण ने रामदूत प्रांतीय पदाधिकारी प्रमेन बंसल और जयपाल सिंह का तिलक अक्षत और रुद्राक्ष माला से स्वागत किया और स्वयं नीचे घुटने के बल विराजमान होकर बैठ गए। साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र स्वीकार किया। ऋषिकेश कोतवाली की एम्स चौकी पुलिस ने आईडीपीएल के गोल चक्कर के निकट एक कार से तस्करी की जा रही 18 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिस्ट ने बताया है कि SSP अजय सिंह के निर्देशन पर शहर में शराब की अवैध सप्लाई को रोकने के लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर ने एम्स चौकी प्रभारी मनवर सिंह नेगी को सूचना दी कि एक कार में शराब की अवैध खेप आ रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने IDPL के गोल चक्कर के निकट वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान संबंधित कार को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया। ड्राइवर की पहचान केदार सिंह निवासी देहरादून के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में अपनी जाँच शुरू कर दी है। हरिद्वार में लैंड जिहाद के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई है। यहां ज्वालापुर क्षेत्र के खन्ना नगर कॉलोनी में एक मकान के पीछे बनी मजार को प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़कर हटाया गया है। बताया जा रहा है कि मजार कई दशक पुरानी थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती रही। प्रशासन की टीम ने स्ट्रक्चर को हटाकर जमीन को नगर निगम के हवाले कर दिया। इस दौरान यहाँ पर आवाजाही प्रतिबंधित रखी गई, साथ ही मीडिया की भी कार्रवाई से मीडिया को दूर रखा गया। धार्मिक संरचनाएं जहां पे भी सार्वजनिक जगह में हैं और अतिक्रमण के तौर पे हैं, उनको नोटिस देने के उपरांत तो पूरे विधिवत तरीके से अब शांतिपूर्ण तरीके से उनको हटाया जा रहा है। तो उन्हीं में से एक जगह ये है, जो ये वाली धार्मिक संरचना है, ये मजार के स्वरूप में है जिसको हटाया जा रहा है। हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का एक प्राइवेट फिटनेस सेंटर के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर हरिद्वार में प्राइवेट की जगह सरकारी फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की है। देवभूमि हरिद्वार ट्रांसपोर्ट महासंघ के बैनर तले हुए प्रदर्शन में ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हरिद्वार में पूरे उत्तराखंड की तरह सरकारी फिटनेस सेंटर खोला जाए। यदि उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। एक राज्य में दो तरह के नियम चलना न्याय संगत नहीं है, ये व्यवस्था उचित नहीं है। या तो पूरे पहाड़ में प्राइवेट सेंटर हो या सरकारी सेंटर हो, हरिद्वार भी उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। प्राइवेट फिटनेस सेंटर में लूटमार होती है। अभी पीछे जो आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, इसी वजह से हुआ था। वहाँ भ्रष्टाचार है, वाहन स्वामियों को परेशान किया जाता है जरा जरा सी बात को लेकर के, और हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका भरसर विरोध करेंगे। यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमें माननीय न्यायालय जाना पड़ेगा और अपनी बात को वहाँ रखना पड़ेगा। पहाड़ में एक मिनट में काम हो जाता है, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, ये हमारे को शोभा नहीं देता ये बातें करना, पर ये सभी जनता जानती है। पहाड़ और प्रेम बाद में इन्होंने फर्क किया हुआ है। मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 6 जनवरी को तलब किया गया है। समन तामील न होने पर अगली तारीख लगाई गई है। गौरतलब हो कि 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में मामला चल रहा है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से
क्षुब्ध होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। इस मामले में पिछले माह 27 नवंबर को एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब करने का आदेश जारी किया था। इस मामले में आज एमपीएमएलए कोर्ट में दोपहर बाद फाइल तलब हुई, लेकिन राहुल गांधी को अब तक समन तामिल न हो सका, लिहाजा आगामी 6 जनवरी को उन्हें समन के जरिए तलब किया जाएगा। विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे की माने तो 6 जनवरी को राहुल गांधी जमानत करा सकते हैं या फिर ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। आगरा न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर जनमंच का प्रतिनिधि मंडल जल्द दिल्ली के लिए रवाना होगा। अधिवक्ताओं ने बैठक में निर्णय लिया कि 2024 के चुनाव में अहम भूमिका होगी। सभी राजनीतिक दलों से घोषणा पत्रों में खंडपीठ की मांग का मुद्दा शामिल होगा। अब खंडपीठ आंदोलन अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर चलेगा। बुंदेलखंड साउंड एसोसिएशन झांसी के तत्वाधन में 5 सूत्रीय ज्ञापन सदर विधायक पंडित रवि शर्मा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का नेतृत्व महामंत्री मोनू प्रताप सिंह ने किया। ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया कि प्रशासन द्वारा शुभ मांगलिक कार्यों में डीजे के व्यापार को बंद करने का कार्य किया जा रहा है एवं डीजे साउंड सिस्टम एवं गाड़ी सहित थानों में बंद करके सीज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान समय में शुभ मांगलिक कार्य निरंतर जारी है, ऐसे में डीजे व्यापारी अपने परिवार को चलाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। विधायक से अनुरोध किया गया है कि कम से कम 1 साल का समय गाड़ी बदलने के लिए एवं समस्त डीजे संचालकगण अपने मानक के अनुरूप अपने डीजे को संचालित कर सके। माननीय विधायक ने प्रशासन से वार्ता करने का आश्वासन भी दिया है। कासगंज में डीएमएसपी की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। 53 शिकायतों में से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। मौके पर डीएम एसपी सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिले की सहावर तहसील में समाधान दिवस आयोजित हुआ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।